के बड़े भाई बलराम जी ने तो धाम का नाम हुआ बद्रीनारायण, क्या हुआ बद्रीनारायण। उत्तराखंड में जाएंगे तो दूसरा धाम है बद्रीनारायण। तीसरा धाम आता है सौराष्ट्र गुजरात में द्वारकापुरी, जहाँ भगवान ने राज्य किया, तीसरा धाम हो गया। चौथा धाम आता दक्षिण में रामेश्वरम, अपने हिंदू लोग के चार धाम है, बहुतों को तो पता ही नहीं है चार धाम कौन से हैं। एक धाम में चार धाम करके चले जाते हैं, अब कहेंगे एक धाम में चार धाम कौन से, एक धाम में चार धाम है, गंगोत्री जमुनोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ, ये हमारे यूपी के हैं, ये उत्तराखंड में जाएंगे ना अपने उत्तराखंड के चार धाम है। पहले ये यूपी में था, अब तो अलग हो गया। अब भारतवर्ष के चार धाम जगन्नाथपुरी बद्रीनारायण द्वारका रामेश्वर, जगन्नाथ जी जाएंगे तो कढ़ी चावल का भोग अटका लगाना पड़ेगा, चाहे कितना भी पैसा खर्च करके चले जाओ तुम्हारा व्रत है। बद्रीनारायण में जाएंगे तो चना की दाल के साथ मेवा का भोग लगाना पड़ेगा, और द्वारका में जाएंगे ठोल लड्डू का, और रामेश्वर में भोग नहीं लगता केवल जल चढ़ता है, 27 कीओं पे आपको स्नान करना पड़ेगा, फिर भगवान के जल चढ़ाओ रामेश्वर को, तब आपका यात्रा पूरा होता है। चौथा भोग लगता है वृंदावन में, वृंदावन बिहारी लाल का मंदिर में, माखन मिश्री का, क्योंकि भगवान ने यह माखन मिश्री खाया है। जब भगवान चार धाम यात्रा करने के लिए गए, चार धाम यात्रा करके जब वृंदावन में आई, माता यशोदा नंद से कहने लगे कि हम तो चार धाम यात्रा करके आए हैं। नंद यशोदा को विश्वास हुआ कि हम बुढ़ापे में चार धाम नहीं जा पाए, आप लोग चार धाम करके आए हैं, तो चार धाम का साक्षी दीजिए। कहावत है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, कुमकुम बिना स्वाग नहीं, और साक्षी के बिना तीर्थ नहीं। जब तक साक्षी नहीं देते तीर्थ नहीं माना जाता। जगन्नाथपुरी जाएंगे तो वहां से ऐसा भेत मिलेगा छड़ी, ये जगन्नाथ जी की छड़ी है जो मेरे हाथ में है। बद्रीनारायण जाएंगे तो तांबे का कंगन अंगूठी मिलेगा, रामेश्वरम जाएंगे तो मयूर पंख मिलेगा, द्वारका से जाएंगे तालाब में से चंदन मिलेगा। ये चारों धाम की निशानी भगवान ने अपने माता पिता के चरणों में छोड़ी है यहाँ वृंदावन बिहारी लाल का मंदिर में। तब से चार धाम यात्रा वृंदावन बिहारी लाल के मंदिर से आरंभ होता, वहीं आकर के पूरा होता है। जो चार धाम नहीं जा सकते हैं, एक बार वृंदावन आते हैं, बिहारी लाल का दर्शन करते हैं, अपने माता पिता के नाम से भोग लगाते हैं, तो उनको चार धाम 84 कोस यात्रा का भोग। ब्रज का एक ही स्थान है भोग लगाने का, वृंदावन बिहारी लाल। वृंदावन में आए और बिहारी लाल का भोग नहीं लगाया तो वृंदावन आने का कोई लाभ नहीं। वहाँ भगवान का जो भोग लगता है, भोग के पैसे को भगवान खाता है। सबसे पहले खाती है गौ। हमारे ब्रज में मुसलमान कसाई लोगों को गाय काटने को बिक्री नहीं करते, कि भगवान कृष्ण ने भी यहाँ गऊ चराया, गऊओं का पालन किया है, उनको गौशाला में छोड़ देते हैं। जब आप लोग मथुरा जाएं या लौटते हुए जाएंगे रोड पर, तो कृष्ण बलराम के नाम से चार गौशाला बनी है रास्ते में। पहले रितंबरा जी का आश्रम पड़ेगा, उसके ठीक लगा हुआ चार गौशाला है कृष्ण बलराम के नाम से, वो वृंदावन बिहारी जी की गौशाला है। उन गौशालाओं के अंदर में 5,000 ऐसी गाय जो दूध नहीं देती, आप लोग जो दान करेंगे भोग लगाएंगे बिहारी लाल का, तो उस पैसे को सबसे पहले वो गौ खाएंगी, उस गौ का पुण्य आप लोग को मिलता है। दूसरे भाग से दिखाएंगे आपको मीराबाई आश्रम वृंदावन में, माता है भजन करती, जिनका कोई नहीं, पति नहीं, गुरु नहीं, बच्चा नहीं, कमाने खिलाने वाला नहीं, उनको खाने को अन्न पहनने को वस्त्र आप लोग का दान से मिलता है। तीसरे भाग से नागा साधुओं का सेवा होता है, और चौथे भाग से बिहारी जी का भोग लगता है। पहले वृंदावन में सीता जगह जगह भगना दान मांगती, यहाँ भगवान ने मटकी चुराया इसका दान करो, भगवान ने ये लीला किया इसका दान करो, लाखों रुपया लाता आदमी पूरा नहीं हो पाता। अब यहाँ ट्रस्ट कर दिया, किसी मंदिर में कोई मांगे नहीं, एक ही मंदिर दान करने का, वो भी ट्रस्ट का रसीद ले। वहाँ मर्यादा से भोग लगता है, कोई मर्यादा से भोग लगाते तो खर्चा मर्यादा से पड़ता है। बाल भोग होता है, मंगल भोग होता है, राज भोग होता है, और बाबा 56 भोग होता है। कोई बाल भोग लगाते हैं कि हमारा तो शरीर नाशवान है, एक मीरा माता के लिए अन्नदान सोना चांदी आधा दान और अन्नदान महादान, या अन्नदान गौ सेवा का महत्व। कोई बिहारी लाल जी का बाल भोग लगाते हैं, और जो माताएं भजन करती हैं उनको अन्नदान करते हैं कि हमारी तरफ से 20 रुपये महीने का अन्नदान उनको मिलता रहे आजीवन, जिसमें आपका माता पिता पत्नी बेटा बेटी सभी का नाम आपको मंदिर में देना पड़ेगा, वही नाम बिहारी जी के चरणों में शिलालेख में रहेगा, पथरा में नाम रहेगा, पथरा मंदिर में ही लग जाता है, पैसा ट्रस्ट के खाते बैंक में जमा हो जाता है, उसकी ब्याज पर जब तक ये धाम रहेगा एक मीरा माता को 20 रुपये महीने का अन्नदान मिलता रहता है। बाल भोग में जीवन की कमाई में से एक बार 2101 रुपया मंदिर में दान लगता है, 2101 रुपया देने से अन्नदान होता है,
और 3101 रुपया करेंगे तो मंगल भोग लगेगा, अन्नदान भी होता है, गौ सेवा भी होता है। और पूरे परिवार के नाम से करते तो 51 से सवा सवा लाख दिया, वो राजभोग का सेवा है। पूरे ब्रजमंडल में एक मंदिर है, ट्रस्ट का रसीद लेके वही दान होता है, वही भोग होता है।